खबर पालिका सुमेरपुर से है, जहां कोरोना महामारी की रोकथाम में लगे अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आबकारी विभाग ने एसडीएम राजेंद्र सिंह सिसोदिया को 20 पेटी सैनिटाइजर की सौंपी। ये सैनिटाइजर सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को निशुल्क वितरित की जाएगी। आपको बता दें कि आबकारी इंस्पेक्टर शंभु सिंह राठौर ने यह बताया कि राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल की ओर से सभी इकाइयों में गुणवत्ता युक्त सैनिटाइजर निर्मित किया गया है, जो कि सभी सरकारी कार्यालयों में कार्मिकों को वितरित किया जा रहा है। में भी सैनिटाइजर बिक रहा था और जो स्वास्थ्य कर्मी के पुलिस थाने हैं उनमें जो ये ऑन ड्यूटी कर रहे हैं रात दिन, उनके भी सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं था। इसलिए वित्त विभाग ने, आबकारी विभाग ने अच्छी पहल करते हुए निशुल्क सैनिटाइजर वितरण का प्रोग्राम बनाया और ये जो सैनिटाइजर है जीएसएम गंगानगर स्टेट शुगर मिल द्वारा बनाया हुआ, इसकी अगर सशुल्क अभी तो निःशुल्क बांटा है, हमने कुछ दिन पहले भी ऑफिस में निःशुल्क बांटा था और आज भी मैंने करीब 20 पेटियां एसडीएम साहब को वहां उपखंड मुख्यालय पे उपलब्ध करवाई है और जिनको भी जहां जिसकी जरूरत होती वो अपने आवश्यकता अनुसार वहां से बांट देंगे। और जो सशुल्क की बात है वो मैं बता देता हूं आपको कि इसकी 37.50 रुपए कॉस्टिंग आएगी होलसेल और 50 रुपए में मार्केट में बिकेगा, जबकि मार्केट में बाकी सैनिटाइजरों की अपेक्षा ये बहुत ही किफायती दाम। जहां एक ओर सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों को निशुल्क गेहूं उपलब्ध करवा रही है, साथ ही हर संभव प्रयास कर रही है।